Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, students? Today we are going to have our first English language class, and today we are going to learn about form of verbs. Before explaining you, I want you to memorize the definition of verb. Here is, what is verb? A verb is a word which describes the action in a sentence, the word that is doing something. Let's read. Verb is a doing verb. Verb shows the action, describes an action. Let's suppose if I'm teaching you, so it's mean the teaching is verb. I'm explaining you, the explaining is verb. I am talking to you, the talking is verb. I am reading you, the reading is verb, like that. I play football. Play is a verb. They skip quickly. Skip is a verb. They eat spaghetti. Eat is a verb. Bob is 7 today. Alright, here they are using the base form. If I say I play football means main football khelti hoon. ठीक है, एंड इफ आई वॉन्टेड टू राइट, अगर मैं ये लिखना चाहती हूँ कि मैं फुटबॉल खेल रही हूँ, तो डैट इज़ गोइंग टू बी द फोर्थ फॉर्म, द बेस प्लस आईएनजी फॉर्म. तो मैं क्या लिखूँगी? आई एम प्लेइंग फुटबॉल. अंडरस्टैंड? जो द प्लेइंग है, जो एक फॉर्म हो गई वर्ब की, ठीक है, ये बेस फॉर्म है, फिर वो कंटिन्यूस फॉर्म आ जाएगी. ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि मैंने कल जो है वो, या मैं कहूँ कि मैंने सुबह खेला था, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी? आई प्लेड फुटबॉल इन द मॉर्निंग. क्योंकि रात हो रही है इस वक्त, तो सुबह खेला था. अगर दोपहर हो रही होती तो मैं कहती मैं खेल चुकी हूँ. ठीक है, लाइक दैट. तो मैंने कहा कि आई प्लेड फुटबॉल इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह खेला था. तो अब ये सेकेंड फॉर्म आ गई. ठीक, कौन सी फॉर्म आ गई? पास्ट प्लेड. ठीक है, ये एक और फॉर्म आ गई. इसी तरह से हमारे पास थर्ड फॉर्म भी आती है इसकी. तो आज जो है हम फॉर्म ऑफ वर्ब्स पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप सेंटेंस बिल्डअप करेंगे, सेंटेंस मेकिंग में आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स का आना ज़रूरी है. ठीक है, इसी तरह से दे स्किप क्विकली. ठीक है, वो बहुत जल्दी स्किप कर देते हैं, सो दे स्किप्ड, उन्होंने कर लिया था. इसी तरह से हम इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स आज पढ़ेंगे. ऑलराइट, नाउ लेट्स टर्न टू पेज नंबर 115. ऑलराइट, पास्ट पार्टिसिपल. डू यू रिमेंबर रीडिंग अबाउट प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल? हियर आर रिमाइंडर. ऑलराइट, बिफोर डूइंग एनीथिंग, राइट डाउन द डेट एंड डे ऑन द टॉप ऑफ द पेज, सो दैट यू विल रिमेंबर व्हेन यू हैव डन दिस एक्सरसाइज. Alright, now here are some examples of present participle, simple past tense, and past participle. Let's read. Breaking, alright, shouting, and putting. Whatever the thing that we are doing right now, or that the thing that we were doing at that time, we use these present participles. Let's suppose past, simple past tense, broke, shout, and put. Past participle, broken, shouted, and put. Alright, so it is, if I say, let's make a sentence after the words. Breaking, Ayan is breaking his toys. वो अपने toys तोड़ रहा है. Broke, Ayan broke one of his toy. उसने अपना एक खिलौना तोड़ दिया. Broken. Alright, so broken मतलब when will we use broken? We will use when the sentence, when something has already been done. Like if I say, Ayan has broken his toys, वो अपने खिलौने तोड़ चुका है. या अगर मैं कहूँ Ayan had broken his toys, वो अपने खिलौने तोड़ चुका था. Shouting. Alright, so you can say the gardener is shouting. Alright, the gardener is shouting at the children. जो माली है बच्चों पर चिल्ला रहा है. ठीक है, अब shouted, the gardener shouted at children. वो उसने, gardener ने बच्चों पर चिल्लाया था. ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम हमेशा नॉर्मली यूज़ करते हैं हैव और हैज. लेट्स सपोज द गार्डनर हैज़ शाउटेड ऑन द चिल्ड्रन. तो गार्डनर जो है बच्चों पे चिल्ला चुका है. हैज़ शाउटेड या हैड शाउटेड, वो चिल्ला चुका था. लाइक दैट. पुटिंग, पुट एंड पुट. अगर नॉर्मली इंग्लिश सेंटेंस बिल्डिंग के लिए, सेंटेंस मेकिंग के लिए, इम्प्रूविंग रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए, हम नॉर्मली जो है सबसे पहले फॉर्म ऑफ वर्ब्स याद करते हैं. ठीक है, दिस गिव यू अ बेटर वर्ड्स, दिस गिव यू द मोर वर्ड्स टू राइट. जो फॉर्म वर्ब्स होते हैं उससे आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट वर्ड, इट इज़ बिगिन. ठीक है, वॉट इज़ द पास्ट, सिंपल पास्ट ऑफ बिगिन? इट्स बिगैन.
ठीक है, जब हमें पता होगा कि हमें सिंपल पास्ट में कौन से जुमले बनते हैं, अगर हमें बिगिन का पास्ट टेंस नहीं आएगा तो हमें सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल लिखने थे, लेकिन हमने जो है क्या किया, हमने सिंपल पास्ट भी किया आपके लिए और हमने पास्ट पार्टिसिपल भी कर दिया, ताकि इन सारे वर्ड्स को जो है आप अच्छे से याद कर सकें। लेट्स सपोज बिगिन मतलब शुरू करना, ब्रेक मतलब तोड़ना, बाय मतलब खरीदना, कम मतलब आना, ड्राइव चलाना, फाइन ढूंढना। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो नॉर्मली आपकी डेली रूटीन में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं आपको अपनी कॉपी में किस तरीके से लिखने हैं वो भी मैं अभी आपको शेयर कर देती हूँ। लेट्स सी, सबसे पहले तो आपने जो है इंडेक्स बनाना है, ठीक है, 2 दिसंबर के साथ डाल के, जिस डेट को आपको लेक्चर रिसीव होगा उसी डेट को। यूनिट 10 था, एक्सरसाइज नंबर C1, पेज नंबर 115 एंड 116। ठीक है, उसके बाद जो है आपने सबसे पहले लिखना है फर्स्ट पेज पे अपना नाम, अपने फादर का नाम, क्लास और सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, इसके बाद जो है आपने फाइनल टर्म की जो है टाइटल पेज बनाना है और सेम डेट हर पेज पे, आप सबने प्रॉमिस किया है ना, हर डेट पे डेट डालेंगे और डेट लिखेंगे, तो हमने ये प्रॉमिस पूरा किया है। और अब देखिए हर डेट पेज पे डेट भी डली हुई है। फाइनल टर्म का आपने यहाँ पे हेडिंग डाली और उसके बाद जो है आपने इस चैप्टर की हेड टाइटल पेज बनाया लैंग्वेज की कॉपी में कि हम कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं। ऑलराइट, ठीक है, अब इस तरीके से जो है हम ये कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, सबसे ऊपर राइट हैंड साइड पे इस्लामिक डेट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे डेट और डे लिखेंगे, फिर इसके बाद एक्सरसाइज C1 लिखेंगे, फर्स्ट लाइन पे पेज नंबर मेंशन करेंगे कि जब भी अगर हमें कभी जानना हो कि ये एक्सरसाइज कौन से पेज पे है तो हमें इसका पता होना चाहिए। अब सवाल लिखा हमने, फाइंड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लिखेंगे और सिंपल पास्ट भी और पास्ट पार्टिसिपल भी, हम तीनों फॉर्म लिखेंगे। किस तरह से करेंगे चलिए देखते हैं। इस तरीके से जो है आपने ये तीनों फॉर्म लिखनी है, बिगिन बिगैन एंड बिगन। ठीक है, ब्लो ब्लू एंड ब्लोन। अब आपको तीनों फॉर्म्स याद हो गई है ना, अब आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपको पता होगा कि जो काम हम खड़ी शुरू कर चुके होते हैं या कर लिया होता है स्टार्ट, तो उसके लिए बिगिन यूज़ करते हैं, और बिगिन में जो काम हम कर चुके होते हैं या कर चुके होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं आपको पूरे आंसर लिस्ट जो है शेयर कर दूँगी, तो आप उसको नीट एंड क्लीन इसी पैटर्न से कॉपी कीजिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, टिल योर नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।